अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मम्मी का ढाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नई डिश बनाने जा रहे हैं जो यूपी की बहुत ही फेमस डिश है। इसको कहते हैं फरा। हम फरा बनाने के लिए ये उड़द की दाल रात भर भिगो दी है हमने, और अब हम इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। और उसके साथ ये दो लाल मिर्च, एक हरी मिर्च और हरी धनिया, ये साथ एक साथ पीस लेंगे। तो चलिए चलते हैं जार में मिक्सर में पीस लें। ये हमने इसमें सब कुछ डाल लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको फिर मिक्सर जार में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है और हम अब आगे की ओर चलते हैं। और अब हम लेंगे चावल का आटा 2 कप और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको कुनकुने पानी से हम गूंथेंगे, एक डो बना लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गुनगुना एक डो तैयार कर लेंगे हम लोग। हमने ये डो तैयार कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई है। ये हमने एक पन्नी ली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको किसी चीज की सहायता से ऐसे पुश कर देंगे और ऐसे हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। ये हमने बॉल्स को ऐसे बना लिया। अब हम इसमें जो हमने उड़द की दाल पीसी हुई थी वो हम ऐसे पूरे में लगा देंगे। ये हमने पूरे में ऐसे लगा लिया है। अब हम इसको एक एक करके ऐसे फोल्ड करके और अपनी कढ़ाई में डालेंगे। आइए देखते हैं। कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इसको एक एक करके हम लोग डालेंगे ऐसे करके ऐसे। हमने सजा दिया इसमें। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे और इसको किसी चीज से ऐसे ढक देंगे, इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे फुल फ्लेम पे। देखिए हमारा पानी सूख गया है एकदम। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, फ्राई करेंगे, फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है। देखिए हमने इसको फिर पलट लिया है और इसमें ऐसे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 2 से 3 मिनट बस पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे। फरा बन के रेडी हो गया है। इसको मॉर्निंग या इवनिंग चाय या सॉस के साथ खाएं और इसका लुत्फ उठाएं। और हमारे आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।